यार बहुत लंबा पड़ गया, तो यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा सभी लोगों को, जय श्री राम। तो कल का नाटक चलता मोहनूर में और दीपक लॉज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं घाट पर रुकने का इंतजाम कर रहा था, व्यवस्था कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये खतरा है, यहाँ पर दारू पी के लोग आते हैं तो तुम्हें चोरी उरी का डर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मत सो। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपक लॉज है, वहाँ पर जाके सो जाओ। ये देखिए, ये था मेरा बेड यहाँ पर, अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया सोने में यार। तो ये है खूबसूरती, थोड़ा बहुत जो खूबसूरत है यहाँ पर मोहनूर यही है, और ये ज़्यादातर लोग कावेरी नदी के कारण यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत। ये गली, कल रात में मैं शॉर्टकट रास्ते से गया था, उधर से गया था, और इधर में से मैं वैसे कल के वीडियो में आपको मैं थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाई दिया था यहाँ पे। अच्छा वो कि वो दोनों मुझे मिल गए थे कल रात में, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया कि यार ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया भाई। और मतलब कि कल रात में, अच्छा उन्होंने बता दी थी कि इधर वैष्णो और शिवा को मानने वाले लोगों के बीच में मतलब थोड़ी बहुत दरारें आ गई थी जब चोला का जो लास्ट साम्राज्य था उसके कारण। मैंने कहा कि यार लोग भगवान के बीच में लड़ाई होने लगी थी, मतलब ये वही है ना, मैंने कहा ना कि कुछ जो जिनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता ना, वो समझना भी नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से आजकल के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर। लो जी आगे 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 आगे, ओके ये इधर वाला साइड अलग गंदा है, उधर जाऊँगा नहाने के लिए उधर साइड वाले में। यार मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ का 24वां नदी होगा, ये मेरे लाइफ का कावेरी अम्मा। बहुत खुश हूँ मैं आज। एक बस ये कि वैसा नहीं कर सकता, लेकिन चलो मेन मेन नदियाँ जितनी भी हैं इंडिया की उसमें तो मैं डुबकी लगा ही लिया हूँ। आज कार्तिक जी का यहाँ पर पूजा है और इसीलिए यहाँ पर इन लोग ये पूजा करने के लिए आए हैं। इधर कार्तिक जी को वैसे ही बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा इन लोग मानते हैं, तो इन लोगों का एक डेली मतलब कि ये रूटीन रहता है कि जब भी कार्तिक जी का पूजा होता है तो ये लोग यहाँ पर आते हैं, और एक मंदिर अभी चलेंगे हम दर्शन करने के लिए वहाँ पर भी। तो ये भाई आए मिलने के लिए मुझसे, तो कल ये भी मुझे मिला था, क्या नाम बताया था, सेव किया था मैंने, नाम भूल गया, पेरू तिलक, हाँ तिलक। तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, ये कार्तिक जी का क्या बोला जाता है यहाँ पे, कार्तिक मुर्गन, और ये वर्षिप ने वर्षिप डे टुडे डे ऑफ फॉर कार्तिक स्पेशल जी, कार्तिक स्पेशल आडी कीर्ति के, ऑडी कीर्ति के, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कार्तिक जी को। अब हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। कावेरी नदी के बगल में ही आपको एक शिवा टेंपल दिखेगा, शिवा टेंपल के अंदर ही मतलब कार्तिकेय जी का भी टेंपल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टैचू वगैरह वहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेक्ट किया वो किया मुझे कनप्पा, शायद वो आपको कहानी याद होगी कनप्पा वाली, हंटर वाली, कि एक दिन वो जंगल में हंटिंग करने के लिए निकला था, उसको एक शिवलिंग मिलता है, तो उसे कुछ समझ में आता नहीं, वो समझ ले कि एक शिवलिंग है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके कैसे पूजा की जाती है। तो वो शिवलिंग को एक जगह वो स्थापित करता है, स्थापित करने के बाद उस पर जल अभिषेक करता है, जल अभिषेक वो भी अपने मुंह में पानी भरकर उस पर अभिषेक किया करता था, मतलब ऐसी कहानी है। और ये भी था कि कभी कभी वो मांस भी भगवान के ऊपर चढ़ाया करता था, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से ये बिल्कुल अमान्य है, लेकिन वो शिव जी इसे हर चीज़ में एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि शिव जी को उसकी भक्ति दिखती थी। जिस तरीके से श्री राम जी को शबरी जी के झूठे बेर नहीं दिखे लेकिन शबरी जी के एक सच्चा मन दिखा कि उसके अंदर भक्ति थी, उसी तरीके से शिव जी को उसके अंदर की भक्ति दिखी। तो शिव जी को भी एक बार क्या होता है कि मतलब उनकी एक जिज्ञासा उठती है कि क्यों ना इसका एक टेस्ट लिया। और वो दिन भी आता है कि वो हिरण के पीछे हंटिंग करने के लिए जाता है, जैसे ही वो अपने धनुष से तीर को छोड़ता है तो वो जो डियर है वो वहाँ से हट जाता है और वो तीर जाकर शिव जी के शिवलिंग के आँख में जाके लग जाता है। जैसे ही वो आँख में लगता है तो आँख से निकलने लग जाता है ब्लीडिंग, और इस दर्द को देखते हुए हंटर क्या करता है कि अपने एक आँख को निकाल कर शिवलिंग में लगा देता है। जैसे ही वो एक आँख को लगाकर शिवलिंग में लगाता है तो दूसरे शिव जी के दूसरे आँख से खून निकलने लगा। कनप्पा जी को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, अपने पैर के अंगूठे को स्पॉट पर रखता, मतलब शिवलिंग के दूसरे आँख के पास लगाता है निशाने के लिए, वो रखता है और
एक अपने दोनों हाथ से आंख को निकालता है, दोनों आंख को आंख से निकालने के बाद अपने पैर को टच करते हुए उस टो उस अंगूठे के पास जाता है जहां पर शिव जी की आंखें थी और वहां पर वो लगा देता है। और इसी चीज को यहां पर ये दर्शाया गया है। और खास बात साउथ के मंदिरों में यही होती है कि वो हमारे हिस्ट्री को कुरेत कुरेत को दर्शाया जाता है, जबकि नॉर्थ के टेम्पल में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि नॉर्थ में इन्वेड ज़्यादा हुआ है साउथ से। साउथ के टेम्पल्स और नॉर्थ के टेम्पल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉर्थ के टेम्पल्स के बाहर आपको प्लास्टिक का सामान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और बिकेगा भी, और लोग प्लास्टिक का सामान लेके जाते हैं मंदिरों में चढ़ाते हैं और वही प्लास्टिक वही मंदिर के आसपास कहीं फेंक देते हैं। लेकिन आपको साउथ के टेम्पल के सामने बहुत कम देखने को मिलेगा, बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा जो मैंने ऑब्जर्व किया। इसी वजह से साउथ का जो टेम्पल है वो प्लास्टिक मुक्त है, चाहे वो गाँव का छोटा मंदिर हो या तिरुपति बालाजी जैसे बड़ा सा विशाल मंदिर, प्लास्टिक मुक्त है। तो ये है कर्ड राइस और ये है मैदे की रोटी पराठा। ये तो योगानंद लोगानंद ओके लोगानंद इज ब्रदर ऑफ तिलक। तो अब हम लोग कार्तिक जी का टेंपल घूमने जा रहे हैं। वैसे तमिल रीजन में देर इज सो मच कार्तिक टेम्पल है ना, तमिल करोगे एंड सो मेनी तमिल करोगे गॉड ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज ओके कार्तिक जी गॉड ऑफ तमिल। सो जिस तरीके से हमारे इधर कृष्ण जी के बचपन को पूजा जाता है, उनके मूर्तियां बनाई जाती है, उनके बचपन को याद किया जाता है, उसी तरीके से तमिलनाडु में कार्तिकेय जी को पूजा जाता है। कार्तिकेय जी को मुर्गन भी कहा जाता है, स्कंद भी कहा जाता है और सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर कपूर वगैरह बहुत कम जलाया जाता है और दीपक ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जलाया जाता है। ओके अन्ना बाय बाय, जय श्री राम अन्ना। ओके ऑल द बेस्ट जनी। ओके बाय बाय बाय। तो यही था मेरा दीपक लॉज, मेरा नहीं था, मेरा नाइट स्टे यहाँ था। बहुत देर हो गया, 3 बजे निकल गया यार। मैं सोचा कि चलो आराम से पहुँचूँगा, 5-6 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा करूर। करूर में रुकना है इस वजह से, यहाँ से भी लगातार मैं चल सकता हूँ लेकिन करूर अब क्योंकि ज़्यादातर टाइम मुझे लिखने में और पढ़ने में ज़्यादा देना टाइम, इस वजह से मैं लेट कर रहा हूँ। मैं एक बंदे से और मिला कल, जो 2 लोग आए थे ना उनसे मुझे मिलना है, वो कहते कि ज़्यादा समय मिलना भाई ज़रूर। हमने ठीक है भाई ओके कमिंग ओके जस्ट गोइंग फॉर ओके ओके भैया करेगा जमाना। उसने ये खाने के लिए दे कि भैया आगे जाके खा लेना तुम ना। ठीक है भैया। तो यार एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल मैं एक रील देखा, मतलब एक नहीं 2-3-4 रील देखा सेम तरीके का, और उसमें कुछ एक दो साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए भी आप भी जानते होंगे जिससे मैं जानता नहीं हूँगा। उसमें उन्होंने बात कहा कि यार इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने पूछा कि आर यू एथिस्ट, तो उन्होंने उनका जवाब ये था साइंटिस्ट का, और कुछ लोग बहुत लोग जो होते हैं एथिस्ट उनका ये जवाब था कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता कि गॉड है कि नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि गॉड है ही नहीं। मैं मन में ये सोचा कि यार तुम प्रैक्टिकल हो ना, जिस तरीके से आप साइंस में रिसर्च करते हैं, आप किसी चीज़ को काम करते हैं तभी उसको जानते हैं कि ये चीज़ ऐसा हो पाएगा, ऐसा है एक्चुअली में, तो आप जाके वो कीजिए, उसको प्रैक्टिकल में लीजिए, तभी तो होगा ना, तभी तो आप जानेंगे ना कि आपको ट्रस्ट बनेगा ना कि हाँ गॉड है कि नहीं है। अगर आप मॉडर्न ज़माने तरीका अपना रहे हैं कि हम मोबाइल चला के या फिर हम किताबें पढ़ कर या फिर हम किसी भी चीज़ को करके हम ऐसा गॉड को पा लेंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। जिस तरीके से साइंटिस्ट बनने के लिए आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आप बायो को चूज़ करते हैं, उसी तरीके से गॉड को जानने के लिए गॉड को पाने के लिए अपनी अपनी एक तपस्या होती है। अब क्या जाने यार उन लोग। तो अब कावेरी अम्मा को क्रॉस करने का समय आ चुका है। कावेरी अम्मा वैसे बहुत पानी सूख गया है इनका, इस नदी का थोड़ा थोड़ा पानी था, कल मैं उधर ही नहाने के लिए गया था, वो उधर पास है ना, इस वजह से उधर नहाने गया था मैं। अरे यार बहुत लंबा पड़ गया, 1 किलोमीटर का है ये पूरा पूरा, यहाँ से छोर से लेकर उस छोर तक। यस सोचो पहले के ज़माने में जब पुल वगैरह नहीं होते होंगे तो नाव से ही पार किया जाता होगा नदियों को, है ना, तब कितना बढ़िया लगता होगा यार।
पर उतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तो बहुत ज़्यादा पहले नहीं था। पहले तो ज़्यादातर घोड़े हाथी ये सब ही चलते थे यार। लेकिन एक चीज़ कहना पड़ेगा यार कि बलिदान केवल राजाओं ने ही नहीं दिया या कोई किंग वगैरह ही नहीं दिए, बलिदान जानवरों ने भी बहुत ज़्यादा दिया और ज़्यादातर हाथी घोड़े दिए। तो ये अब हम करूर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, करूर नहीं आए लेकिन करूर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया हूँ मैं। वांगल, इस जगह का नाम है वांगल, मतलब कि कावेरी नदी के उधर जो था आपका नमक्कल था, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं कल रुका था, मोहनरून था ऐसे कुछ नाम था यार, क्या नाम है, मोहरून ऐसे नाम था वहाँ पे। तो नदी जो डिवाइड कर दिया उस चीज़ को, वैसे पहले भी ऐसे ही होता था कि नदियाँ ही डिवाइड करती थी सारी चीज़ों को, बॉर्डर हो गया, स्टेट हो गया यार। नदियों के किनारे जो सभ्यता होती थी, जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे यार, वो कितना ज़्यादा पुराने और कितना ज़्यादा अच्छा बनाया गया, ये मैं साउथ में आके जाना हूँ। क्योंकि नॉर्थ में क्या है कि सारा वो इन्वेड हो चुका है और नॉर्थ वालों की वजह से ही साउथ के जितने टेम्पल अधिकतर बचे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि सारे युद्ध जो मैक्सिमम जो लड़े गए हैं इन पे बाहरी विदेशी मुसलमानों के विपक्ष में, वो ज़्यादातर तो नॉर्थ ही लड़े हैं, साउथ बहुत कम लड़े हैं। क्योंकि साउथ में तो चोला पांड्या ने सब हिंदू ही राजा थे। तो काले काले बादल आप देख सकते हैं पूरे, बारिश बहुत तेज़ आने वाली है और मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा करूर, बीच में कहीं अटक गया तो दिक्कत ही है। ओ यार अब तो बारिश बहुत तेज़ हो गई यार, क्या करूँ मैं। देखिए अभी कहा ही नहीं कि स्टार्ट हो गया, आप बताइए क्या करा जाए। अब यहाँ पर इस वीरान जगह पर कहाँ मैं खोजूँ, मैं ढूंढने की थोड़ा सा वो मिल जाए। ये है एक तो, लेकिन अगर यहाँ रुक गया तो करूर नहीं पहुँच पाऊँगा मैं यार, और करूर का पहुँचना मुझे बहुत ज़रूरी तो नहीं है। जहाँ बिस्तर मिलेगा, सॉरी जहाँ जगह मिलेगा वहाँ बिस्तर बिछा लूँगा मैं। एक यहाँ पर है लेकिन बारिश, भगवान जी राम जी थोड़ा इंद्र भगवान को थोड़ा कह दीजिए थोड़ा आराम कर ले, वहाँ 10 मिनट की बात, 10 मिनट नहीं पौन घंटे की बात है, आराम कर लो करने के लिए बोल दिए राम जी उनको। इस अकेलेपन में तुम ही लोग सहारा हो भगवान जी, और कौन है यार। नहीं सब लोग हैं, मतलब जो भी सपोर्ट करते हैं वो भी हैं, मतलब देख तो तुम ही रहे हो मुझे लाइव, तुम ही देख रहे हो और कौन देख रहा है लाइव, लेकिन दुआएं सबकी लाइव है। ओके तो ये है पूरे प्लास्टिक का ढेर, और पहली बार तमिलनाडु में देखा हूँ प्लास्टिक का ढेर। वैसे यहाँ खाने उने में तो उतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाता लेकिन यूज़ बहुत है इसका। और ये जो देख रहे हैं आप ये प्लास्टिक का ही ढेर है पूरा, और वैसे भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर शायद तमिलनाडु है यूज़ करने में प्लास्टिक। देखने से लगता नहीं कि प्लास्टिक यूज़ होता होगा तमिलनाडु में, लेकिन दूर दूर तक देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक फैला हुआ है। ये वो देखिए क्या यार, मैं तो कभी सोचता ही भी नहीं था जब मैं इसके बारे में पढ़ा कि भाई तमिलनाडु जो सेकंड थर्ड नंबर पर आ रहा है प्लास्टिक यूज़ करने में, तो मैंने कहा कि वो भाई देख रहे हैं। वैसे यार प्लास्टिक मुक्त तो होना चाहिए भारत यार, मतलब मुक्त तो ना, पर यूज़ कम हो यार, यूज़ जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा यार। लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने यूज़ वाले सिस्टम को। तो आपको मैं एक अपने इतिहास बताता हूँ रामायण का। ये बात तब की है जब गरुड़ जी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, और गरुड़ जी जो वो विष्णु जी के सवारी हैं, तो जब नागपास, जब रावण से जब युद्ध होता है श्री राम जी लक्ष्मण जी का, तो श्री राम जी लक्ष्मण जी नागपास के अंदर बंध जाते हैं। तो उनसे छुड़ाने के लिए हनुमान जी बहुत भटकते हैं, तो उनका एक ही रास्ता मिलता है कि वो गरुड़ जी के पास जाएं जो विष्णु जी के सवारी हैं, और वही इस नागपास को तोड़ पाएंगे। तो जब वो जाते हैं तो नागपास को तो मतलब काट देते हैं और फिर वो चेतना में जग जाते हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी। तो ये रही यहाँ पर गरुड़ जी की रामायण में छोटी सी मतलब बात। तो ये जब रामायण पूरा ख़त्म होने के बाद जब अयोध्या जब श्री राम जी वगैरह वगैरह आते हैं, तब गरुड़ जी नारद जी के पास आते हैं, परलोक में ये वार्तालाप चल रहा है। तो गरुड़ जी वहाँ पर आते हैं
नारद जी से कहते हैं और उनको वहाँ पर नारद समझ गए। नारद जी तुरंत समझ गए कि गरुड़ जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया है और गरुड़ जी ये प्रश्न लेके आए कि मुझे ये शंका हो रही है कि राम जी वाकई में क्या वो विष्णु जी के अवतार हैं या नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि आप माया जाल में फंस गए हैं गरुड़ जी पक्षीराज, आप इसका निवारण शिव जी कर सकते हैं। तो वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी उसका निवारण कर सकते थे, लेकिन शिव जी ये जान गए थे कि गरुड़ को अभिमान हो गया है, तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए सबसे पहले उसको भेजते हैं काकभुसंडी के पास। और काकभुसंडी जो है वो पक्षियों में बहुत नीच समझा था, चंडाल समझा जाता है, और जो पक्षी राज थे वो गरुड़ थे। गरुड़ जी जब जाते हैं पक्षी के पास, मतलब काकभुसंडी के पास, जो सुमेरु पर्वत पर बैठ कर राम जी की कथा सुनाया करते थे, तो काकभुसंडी का जो एरिया था वो सुमेरु पर्वत के नील पर्वत के आसपास था। और एक योजन की अगर डाया ले ले हम, सर्कल ले ले, तो वहाँ तक काकभुसंडी जी का तप था, मतलब कि उस एरिया में जो भी कोई आएगा माया से मुक्त हो जाएगा और जो भी जैसे नास्तिक है वो भी मुक्त हो जाएगा, वो आस्तिक बन जाएगा, तो ऐसा सिस्टम था उस वक्त। तो जब काकभुसंडी के पास आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं गरुड़ जी कि मैं कैसे अपने प्रभु पर शक कर सकता हूँ। तब उनका वहाँ पर घमंड भी टूटता है। पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि आप इसके प्रश्न का निवारण आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इसे काकभुसंडी के पास क्यों भेजा। शिव जी ये कहते हैं कि गरुड़ को उस वक्त अभिमान था और उस अभिमान का सबसे पहले तोड़ा जाना ज़रूरी है, इसीलिए वो भेजते हैं काकभुसंडी के पास। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है या ज़्यादा पैसे हो जाते हैं या ज़्यादा कुछ अभिमान हो जाता है तो हम नीचे वाले लोगों को नहीं देखते हैं, तो वो चीज़ एहसास करवाना चाहते थे गरुड़ को शिव जी, इसीलिए वो काकभुसंडी के पास भेजे थे। तो यहाँ से बहुत अच्छा हमें लेसन मिलता है कि कभी भी अपने, मतलब कि जब भी आपको घमंड होगा ऊपर वाला कोई ना कोई आपका घमंड तोड़ने के लिए किसी न किसी को वो भेज देगा। किसी भी चीज़ का घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है। एक दिन ईश्वर किसी न किसी को भेजेगा आपके घमंड आपके अभिमान को तोड़ने के लिए। और ये है, आप किसी भी रामायण महाभारत कहीं भी उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई आया ही है। शाम हो गया है, 3 किलोमीटर अभी और है, 3 किलोमीटर आज मैं करूर में रहूँगा और करूर में लगभग 2 दिन रुकूँगा मैं, क्योंकि मुझे डायरी मेंटेन करना है यार। सही बताऊँ मैं जामुन यार, इधर गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी से। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग बत्तल का जो यूज़ करते हैं ना, वो मतलब कि पेस्टिसाइड यहाँ पर लोग बहुत कम डालते हैं, ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए वो बत्तख का यूज़ करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर बत्तख पालते हैं। जब मतलब कि कीड़े उड़े ज़्यादा जब हो जाते हैं खेत उत में, तो बत्तख जो पालते हैं उनको देते हैं पैसा और ये फिर खेत में जाते हैं बत्तख सारे और वहाँ से सारे कीड़े को खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं पेस्टिसाइड से भी और नेचर भी बैलेंस में रहता है। देखते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर। ओ यार ये तो पानी भर गया है, जूते तो खोलूँगा नहीं, देखा जगह कोई लग रहा है, इधर से जाता हूँ मैं। ये हाँ थोड़ा सा जगह है जाने का यार, अरे कौन खोलेगा इसके लिए। थोड़ा सा ऊपर देख के सिर में ना लगे, ये भी आ गया मैं। ओके लग रहा जरूर आ गया। ओके नो प्रॉब्लम, आ गया करूँ आ गया। यहाँ पर लॉज ये क्या करूँ यार, पूछना पड़ेगा कुछ तो यार, और ज़्यादा करूँगा। अम्मा करूर इधर को, ओके 1 किलोमीटर भी और लग रहा है, 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स।
यार 1 किलोमीटर करके के करके 2 किलोमीटर इन्होंने चलवा दिया। खैर भाई 1 किलोमीटर दूर यार, सिटी सिटी जैसा नहीं लग रहा, इससे बढ़िया तो मुझे लगा था नमक्कल ही ठीक लगा था, लेकिन सारा नमक भी यादगार रहेगा मेरे लिए, एक हिस्सा रहेगा नमक्कल का। पीट दिए उन लोग मेरे, सीजी घर तो ठीक ठाक लग रहा है यार, उसके हॉस्पिटल। यार तमिलनाडु के लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यार नेचर के साथ रहते हैं यार, ये कहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नेचर के साथ रहते हैं यार लोग। बस यार लॉज भेजा जल्दी से यार, हालत बसी हो गया यार, 1 किलोमीटर बोलते बोलते पता नहीं 3-4 किलोमीटर में चल गया मैं। अरे एक चीज़ मुझे और दिखा कि इधर कोई ज़्यादातर बेगर्स नहीं है यार, लोग सोशल वो मतलब रखते हैं, मतलब एक तरीके से खुद का कुछ ना कुछ करेंगे, और ये इनका ठीक है यार, कुछ ना कुछ करो। टेल मी अन्ना किधर को सिग्नेचर। ओके 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 हो गया ना, बाय बाय।